अस्सलाम वालेकुम जी, काशफ भट्ट साहब हैं जी, एडवोकेट हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे। आज इनकी दावत है, हम दावत पे हम आए हैं भट्टी बंगो। आपको पता है एक बट तभी खूबसूरत लगता है जब उसके आसपास बहुत सारे दोस्त हों और टेबल पे अच्छा सा खाना सजा हो। भट्ट साहब, खाना तो घर पकवा रहे हैं और दोस्त हम उनके दो ही हैं, मैं और वैद साहब कैमरा मैन हैं। खाने पीने के लिहाज से हम इक्वल टू 8 के बराबर तो हैं। आज ही हमें गांव लेके आए हैं जी, अपने अपना गांव में घुमा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत चीज़ें पहले भी हमने देखी हैं। अब ये हमें लेके आए हैं एक डेरे पे, यानी कि हर गांव में लोगों ने अपनी ज़मीनों में, खेतों में डेरे बनाए हुए हैं, जिन्हें खूह भी कहते हैं, जहाँ पर वो अपने जानवर वगैरह बांधते हैं, अपनी ज़रूरी मशीनरी रखते हैं और अपने खेतों की देखभाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये वैस भाई, ये आप देखें जी भैंस, उसको इन्होंने ठंडे पानी में बिठाया हुआ है और बड़े मज़े के साथ वो बड़े मज़े से नहा रही है। देखें जी इसके नखरे, यार लाल का परना है उसमें जाना। ये वैस साहब के पास सुरख परना है जी, इससे डर रहे हैं सारे। वो इन्होंने मोटरसाइकिल तो रखे यार। बछड़ा है जी, बहुत ही खूबसूरत है, बच्चा है अभी और बड़े मज़े से चारा खा रहा है। यहाँ पे बंधा हुआ है, हर किसान की कोशिश होती है कि वो अपने मवेशियों को सर्दी और गर्मी में मुनासिब तरीके से रखे। तो यहाँ भी गर्मी से बचाव का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, शेड बनाया गया है ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त, और चारों तरफ से ये खुला है, चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है इसमें। जामुन का दरख्त है, बूर लगा हुआ है, थोड़े अरसे के बाद इस पर जामुन लगेंगे। ये तो सामने दरेक है, इसके साथ जामुन का दरख्त है जी, छोटे जानवर कट्टे वगैरह, और ये सामने इन्होंने बांधे हुए हैं अपने जानवर। ये है जी जामुन, जामुन लगना शुरू हो गए हैं, अभी बूर है। ये है जी सुखचैन का दरख्त, इसकी मसवाक बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत ही ज़बरदस्त मसवाक होती है इसकी। खुला सा सादा सा माहौल है, गर्मी बेतहाशा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, परिंदों की आवाज़ें हैं, शायद मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा हो। आपका बहुत शुक्रिया जी, हाँ मेरी छोटी छोटी वीडियोस, नॉर्मल सी वीडियोस को पसंद करते हैं। शाद रहें, आबाद रहें।